कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। अरे जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में, और इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी उस तरह रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। मेरे दोस्तों एक पैगाम इस तरह का जाना चाहिए यहाँ के स्टेज से। मैं इस वक्त हमारी फिरिस में एक छोटा शायर तनवीर सीतापुरी है, मैं 4 मिनट का उसको वक्त देता हूँ। मैं नाजिम हूँ, मेरा पूरा अधिकार चलता है कि मैं आपको वक्त इतना दे सकता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपने कलाम को पेश करें, उनके बाद मैं असद बस्तवी तक पहुँचने की जसारत करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए हजरत, मैं मुजाहिद हबीबी साहब से यही कहना चाहूँगा कि बाहर से आने वाले जितने भी शोर हजरत थे, सबको अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि माजिद भाई ने जो कहा था, अगर उस पर उतरना है तो थोड़ा बहुत वक्त मुझे चाहिए, 5 से 7 मिनट तो चाहिए ही। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हजरत, अभी भी 2 इंजन बाकी है, डब्बा में हूँ मैं, पूरी पूरी कोशिश करूँगा इस डब्बे में आपको बैठाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि टिकट आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टिकट नहीं हो तभी बैठ सकते। एक मरतबा ट्रेन पर एक हजरत से एक टिकट मांगने लगे कि भाई टिकट दिखाओ, तो वो कहने लगे लीजिए, तो कहने लगे ये तो पुरानी टिकट है नहीं दिखाओ, तो वो कहने लगे अरे भाई तो आपका ट्रेन कौन शोरूम से निकल के आया है, तो थोड़ा दाद से मुझे भी नवाजिएगा, तालियों से नवाजिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि इधर माँ और बहनें भी बैठी हैं, मैं तो पढ़ना तो बहुत था क्योंकि माजिद भाई ने कहे थे, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टाइम की किल्लत रखते हुए इधर माँ बहनें भी बैठी हैं, इधर दोस्त पढ़ता हूँ, बताओ। अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दिखते। मोहन मुंतजिर भाई तवज्जो चाहूँगा, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दिखते, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की दुख तनवीर, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की दुख तनवीर, सुना है बापू जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते, सुना है बापू जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। ये शेर नजर करता हूँ मोहन मुंतजिर और असद बस्तवी ये सारे हवाले से, मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि जरा सी चोट लगे तो वो आंसू भी बहा देती, और अपनी सुकू भरी गोद में हमें को सुला देती, मत गुस्से ताख करना लोगों उस माँ से, क्योंकि जब वो छोड़ कर जाती है तो वापस नहीं आती, जब वो छोड़ कर जाती है तो वापस नहीं आती। बर्मा के हवाले से 4 बंद पढ़ता हूँ, आप बर्मा के हालात देखे हैं, और पढ़ता हूँ दुआएं चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप, कि जुल्मत में अपने नोहर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे, जुल्मत में अपने नोहर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे, या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे, फरिश्ता उतार दे। अरे बर्मा की सरजमी पर मुस्लिम है परेशान, बर्मा की सरजमी पर मुस्लिम है परेशान, फिर आहुन आ गया है, फिर आहुन आ गया है, कोई मूसा उतार दे, मूसा उतार दे, फिर आहुन आ गया है,
कोई मूसा उतार दे, कोई मूसा उतार दे। आइए हजरात, बस दो से तीन मिनट और लूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। जहन गुलशन में कैसी हवा चल गई, मोहन मुंतजिर भाई तवज्जो चाहूंगा कि जहन गुलशन में कैसी हवा चल गई, खाली पत्तों से सारे शजर हो गए। लोग समझते गरीबी गरीबी रहते हैं, गरीब आजकल मोदी को ये देख लीजिए, चाय बेचने वाले तो मुकद्दर बदल दिया। कि जहन गुलशन में कैसी हवा चल गई, खाली पत्तों से सारे शजर हो गए। कदर तो अब इमामों की घटने लगी, कदर तो अब इमामों की घटने लगी, जब से मस्जिद के जाहिल सदर हो गए, जब से मस्जिद के जाहिल सदर हो गए, जब से मस्जिद के जाहिल सदर हो गए। आइए हजरात, इसमें कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो पढ़कर पढ़ाई छोड़ दिए हैं और इस मंच में बैठे हैं, अगर शेर अच्छा लगे तो दुआओं से जरूर नवाजना। बस ये आखिरी बंद और जगह लूंगा कि बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आया रे, बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आया, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आया, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आया। जब देखा माँ को तन्हाई ही में सूखी रोटियां खाते, जब देखा माँ को तन्हाई ही में सूखी रोटियां खाते, तो बस्ता फेंक कर बच्चा कमाई पर उतर आया, तो बस्ता फेंक कर बच्चा कमाई पर उतर आया।